इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वे मंगलवार शाम को रोको टोको अभियान के तहत इंदौर पहुंचे। वे एयरपोर्ट से सीधे 56 दुकान रवाना हुए, जहां पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सामाजिक दूरी बनाने की समझाइश भी दी गई। इस दौरान शाम 7:02 तक सायरन बजाकर लोगों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को मास्क भी पहनाए, एक्सटेंशन लगाए मास्क पहनाते समय की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर से पूरा प्रदेश चलता है, इसलिए ध्यान रहे, अब सायरन हर दिन शाम को 7 बजे बजेगा। आपको रुकना नहीं है, लेकिन यह आपको मास्क लगाने के बारे में याद दिलाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर को सबसे स्वच्छ तो बना लिया, अब स्वस्थ भी बनाना है। साथ ही इंदौर को पूरे प्रदेश के शहर फॉलो करते हैं, इसलिए इस अभियान को इंदौर से शुरू किया गया है।
संक्रमण रोकने के लिए जरूरी है कि हम सब मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और मास्क भी लगाएं तो नाक और मुंह पूरा कवर करें, हाथ साफ रखें और भीड़ से बचें। और इसलिए आज इंदौर में हमने संकल्प लिया है जनता के साथ, क्योंकि इंदौर करेगा तो बाकी शहर भी करेंगे। कोरोना के संक्रमण को हर हालत में रोकना है। मुझे सबसे मेरी अपील है, मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए और अपनी होली अपना घर, भीड़ भाड़ से बचे। धन्यवाद। थैंक यू सर। रिपोर्ट वॉइस ऑफ राइट्स।